प्यारे दिल्ली वासियों, भारत वासियों, आप सबको शत-शत नमन। आज हम आपसे चर्चा करेंगे। आपने बहुत बार अभी सोशल मीडिया में सुनाया, केंद्र सरकार, भारत सरकार, देश की राष्ट्रीय एजेंसी NIA और बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट इसको जिसको लेकर विषय को चिंतित है कि भारत में अवैध जो लोग घुसपैठिए पिछले जो 75 साल से लगातार घुसपैठ करते आ रहे हैं, इसका खमियाजा यहाँ की देश के नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इसके मैं कुछ उदाहरण आज आपको सरल भाषा में रखना चाहता हूँ। देखिए कि हमारे देश में कोई भी अगर विदेशी अगर देश में आके रहना चाहता है तो हर एक देश में उसका एक नियम होता है और इसके लिए हमारे देश के अंदर नियमानुसार पासपोर्ट लेना पड़ता है। सभी कंट्रीज में अवेलेबल है, ये एप्लीकेबल होता है और उसका कुछ नियम होते हैं। तो अगर कोई भी आदमी पासपोर्ट के द्वारा हमारे देश में आता है तो उससे किसी भी कंट्री को और भारत देश को कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन सुनने में आ रहा है कि पिछली देर से सोशल मीडिया से काफी खबरें चल रही हैं कि कुछ लोग 2,000 3,000 रुपये दे के बॉर्डर क्रॉस करके अवैध रूप से भारत में घुसते हैं और 7-8 हज़ार 10 हज़ार रुपये दे के यहाँ पे राशन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड और बिजली पानी के बिल, कनेक्शन, इस तरीके से सब कुछ मैनुपलेट करके और वो लोग यहाँ के नागरिक बन जाते हैं। और यहाँ की सरकार के द्वारा, दिल्ली सरकार या भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं उसका वो दुरुपयोग करते हैं, जिसके वो उत्तराधिकारी भी नहीं है, जिसको लेने के लिए वो मतलब वो वांछित नहीं है। और फिर भी वो लोग जो है इस चीज को गैर कानूनी रूप से पहले तो भारत के अंदर प्रवेश करते हैं और फिर उन सुविधाओं का फायदा उठाते हैं, फिर फ्री की सुविधाओं के बाद फिर वो मकान का आवास मानते हैं। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3,024 फ्लैट दिए हैं। तो ऐसी स्कीमों में भी इन लोगों की घुसपैठ जारी रहती है और इसका बोझ धीरे सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट पे पड़ता है, क्योंकि इसके लिए सड़कें, बिजली, पानी, सीवर, हर चीज की जो व्यवस्था है वो चरमरा जाती है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स, अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर जैसे महिलाओं के लिए सफर फ्री है, अगर इसके अंदर आपको पता चले कि 20% लोग ऐसे आदमी हैं जो अवैध रूप से दिल्ली में रह रहे हैं तो आप समझ सकते हो कि कितनी बड़ी समस्या है। जो एक्चुअल दिल्ली के सिटीजनशिप है उनका अधिकार माना जा रहा है। ऐसे लोग फ्री बिजली पानी की जो स्कीम 200 यूनिट तक की है, 20 लीटर पानी की स्कीम वो ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसका असर आम जनता पे पड़ता है जो दिल्ली के पुराने सिटीजन है, जो वैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, जिनका इस देश की आजादी के अंदर बहुत बड़ा योगदान है उनके पूर्वजों का। अब ऐसे में ये बहुत से सारी टैक्स की समस्या चरमरा जाती है। हमारे देश के अंदर प्रति नागरिक एक लोन है विदेशों का, वो लोन के ऊपर भी एक तरीके से समझ लो कि अगर वो अगर मान लो हर साल 50 या लाख अगर करोड़ों आदमी भारत के अंदर हैं तो आप ये समझ सकते हो कि कितना बड़ा एक लोन उन आदमियों का ऊपर, हमारे देश के ऊपर पड़ रहा है बोझ। तो मैं ये सारे हाथ जोड़ के सभी देश की जितनी भी सरकारी एजेंसीज हैं, सभी जो राजनीतिक दल के नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं, चीफ सेक्रेटरी हैं, सभी लोगों से मैं ये गुजारिश करूंगा, आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय, आदरणीय उच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट्स, MM कोर्ट्स, सभी लोगों से ये मेरा निवेदन है कि सरकार की, भारत सरकार की और स्टेट गवर्नमेंट की मदद करें, संबंधित असिस्टेंट कार्यालय को सूचित करें और सभी दिल्ली पुलिस के, और भारत में 16,000 के लगभग थाना बताए जाते हैं, पुलिस स्टेशन, उन सभी से मेरी ये गुजारिश है कि अपने अपने थानों के अंदर कम से कम 100-100 FIR दर्ज करें और इसके आधार पे सरकार उनको प्रमोशन दे, उनको थाने दे, और अगर वो ऐसा नहीं करते तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, क्योंकि ये लोग हर कॉलोनियों में, क्षेत्र में किसी न किसी रूप में रह रहे हैं और जो इनके नकली आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पासपोर्ट, जो भी इनके प्रूफ बनाए जाते हैं, मैं समझता हूँ कि बॉर्डर में एंट्री से लेकर यहाँ तक जितने भी उनको सुविधाएं दी जा रही हैं उन सभी लोगों के खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए और इनको तत्काल डिपोर्ट कर देना चाहिए भारत से। ये कार्रवाई बड़ी सख्त होनी चाहिए क्योंकि इन लोगों के खिलाफ में ये मांग बार बार उठती रही है, क्योंकि एक देश के साथ देशद्रोह का केस है कि देश के अंदर कुछ ऐसे लोग रह रहे हैं जिनका इस देश के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है और योगदान नहीं है किसी तरह का, और ऐसे लोग इस देश की सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं और इसके लिए भारत सरकार को सख्त होना चाहिए। बॉर्डर से प्रवेश करने वाले ऐसे सभी लोगों के खिलाफ तत्काल उनकी संपत्ति जब्त हो, राजद्रोह का केस हो, 5 साल तक के लिए उनको इनिशियली कारावास दिया जाए, उन सभी अधिकारियों को जिनकी साठगांठ से और नेताओं से चल रहा है, और ऐसे लोगों को जैसे जो भी संभव हो इस देश की कानूनी प्रक्रिया द्वारा रिपोर्ट कर देना चाहिए उसी देश के अंदर जिस देश से वो लोग यहाँ आए हैं, और आने के बाद जो उन्होंने यहाँ बच्चे पैदा करे हैं और यहाँ की जनसंख्या पे जो आघात किया है उसका भी जो भी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो भी इस कानूनी स्ट्रक्चर हमारे देश का नियम कहता है उसके अनुसार संशोधन करें और उसके हिसाब से इनके ऊपर कार्रवाई करें, ऐसा मेरा ये गुजारिश है। दिल्ली के नागरिक मैं चाहता हूँ कि बहुत ही जागरूक नागरिक हैं
और वो अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। और मैं चाहूंगा जरूर भारत की हर स्टेटमेंट, हर राजनीतिक दल, हर नेता, हर पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष इसको समझेगा, और हमारे देश के प्रधान संविधान सेवक नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के अध्यक्ष आदरणीय अजीत डोभाल जी जो आईपीएस हैं, विदेश मंत्री जयशंकर जी, और सभी लोगों से गुजारिश है कि जो भी जो इसके लिए राजनाथ सिंह जी, सभी लोग जो हैं इसके ऊपर एक इनिशिएटिव लें। आम जनता, आम पब्लिक, एक बच्चा भी इसके अंदर प्रयास करे, इस वीडियो को फॉरवर्ड करे, ताकि देश की और सरकार की मदद हो सके, और ये घूसखोरी, भ्रष्टाचार, राष्ट्रद्रोह का जो केस है दर्ज करके इनकी संपत्ति जब्त कर ली जाए, जिन लोगों की मिली भगत से ये सब हो रहा है। इसे सत्य, जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति, जिंदाबाद।